हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ। मैं बहुत दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए आज से रेगुलरली वीडियो अपलोड करने का कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो पर मैं आप लोगों के लिए डू नोटो के मदद से एक बल्ब जला करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मुझे पता है गाइस आप लोगों को मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए गाइस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो को आधे पर ही छोड़ करके चले जाते हैं और कमेंट करके बोलते हैं कि भाई ऐसे, मतलब कि ये ऐसे नहीं था, वैसे था, ऐसे था। देखिए मैं पहले ही बोल लेता हूँ, मैं जो आप लोगों के सामने मैजिक दिखाता हूँ वो मैजिक मैं आप लोगों के सामने इसी वीडियो पर ही सिखाता भी हूँ। मतलब जो मैजिक, जिस वीडियो पर मैं मैजिक को दिखाता हूँ उस वीडियो पर ही मैं आप लोगों के सामने मैजिक को रिवील भी कर देता हूँ। देखिए गाइस, इसीलिए आप लोगों ने आधे पर ही शोर करके कमेंट ऐसे ना करिएगा। पहले गाइस आप लोग वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए और उसके बाद आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अभी मैजिक को देख लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के सामने डू नोटो के मदद से एक बल्ब को जला करके दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है आप लोगों के सामने मैजिक को परफॉर्म करने का, यानी मैजिक को आप लोगों के सामने दिखाने का। ठीक है, यहाँ पर उसके लिए मेरे पास देख सकते हैं डू नोट है। ठीक है, 500 रुपीज़ का डू नोट है, बिल्कुल ही नॉर्मल सा। पहले आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ ताकि कोई भी आप लोगों को शक ना हो। ठीक है, ये नोट भी देख लीजिए, बिल्कुल ही नॉर्मल सा नोट है। ओके, देखा आप लोगों ने। और ये है मेरे पास एक बल्ब जो कि यहाँ पर देख सकते है, एक बल्ब है ओके, जो कि बहुत सारी कलर में जलते हैं। ठीक है, पहले मैं आप लोगों के सामने क्या करूँगा, बिना मैजिक लगाते हुए इस बल्ब को नोट पर लगा करके दिखाऊंगा। तब जो है कोई भी बल्ब कुछ भी मतलब जलने वाला नहीं है, और जिस मतलब और जब मैं इस बल्ब के ऊपर थोड़ा सा मैजिक लगाऊंगा और उसके बाद लगा करके यहाँ पर दोनों नोट पर लगा करके दिखाऊंगा, तब आप लोग देख करके हैरान रह जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इस बल्ब को जो है लगा लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए गाइस यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ। देखिए बल्ब जो है नहीं जल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसको उल्टे करके भी मैं लगा करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर नहीं जल रहा है ओके। और अभी मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैजिक लगाने वाला हूँ। ओके गाइस, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैजिक लगा रहा हूँ। ओके, अभी मैं यहाँ पर मैजिक लगाने के बाद बल्ब को यहाँ पर लगा करके दिखाता हूँ दोनों नोट पर ही। ठीक है, वन, आप देखिए 1, 2 एंड 3, देखिए थोड़ा सा जलने लगा था। देखिए फिर से मैं आप लोग को लगाता हूँ। देखिए यहाँ पर दोनों नोट पर ही इस बल्ब को लगा देता हूँ, 1, 2 एंड 3, मैजिक स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ पर हम भी देख सकते किस तरीके से ये बल्ब जो है जल रहा है। देखिए, देख रहे हैं आप लोग दोनों नोटों के मदद से ही ये बल्ब किस तरीके से जल रहा है। देखिए फिर से इसको हटा करके ला रहा हूँ, जलना बंद हो चुका है। ठीक है, फिर से लगा करके दिखा रहा हूँ। देखिए 1, 2 एंड 3, देखिए गाइस बल्ब को इस नोट पर लगाते समय ही ये किस तरीके से जल रहा है। जैसे देखिए गाइस, जैसे ही मैं इस बल्ब को नोट के ऊपर उठा करके लाया हूँ तब अपने आप ही बंद हो जाता है। देखिए फिर से बंद हो गया। देखिए आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये मैजिक हो गया है। हम भी आप लोग कहीं मजे है क्योंकि हम भी वीडियो खत्म नहीं हुआ है गाइस, हम भी तो बिक्सर बाकी ही है क्योंकि हम भी मैं आप लोगों के सामने इस मैजिक का सीक्रेट को रिवील करने वाला हूँ आप लोगों के सामने इस वीडियो पर ही। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को कुछ ज़रूरी बातें बोल लेना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर आप लोगों को पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ आप लोगों ने शेयर करना है। और आप लोगों को अगर आप लोग मतलब फ्यूचर में न्यू मैजिक सीखना चाहते हैं तो फिर आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद घंटे को दबा करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोग उस मैजिक को सीख पाएंगे। चलिए हम लोग अभी मैजिक को सीख लेते हैं। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों के सामने सिखाने जा रहा हूँ नोट से बल्ब जलाने वाला मैजिक को। देखिए यहाँ पर आप लोग इस मैजिक को दिखाने के लिए जरूरत पड़ने वाले दो नोट का नॉर्मल सा नोट ले सकते हैं और जरूरत पड़ने वाले आप लोग का एक बल्ब का, किसी भी बल्ब को आप लोग ले सकते हैं। और जो मेन सीक्रेट था वो था मेरे इस हैंड पर, जो राइट हैंड पर था। देखिए गाइस, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए सबसे पहले मेरे इस हैंड पर जो है 2 वायर्स जा रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा होगा शायद, अभी दिख रहा है ना। ठीक है, इस उंगली पर एक वायर, देखिए इस उंगली पर जा रहा है और एक वायर इस उंगली पर जा रहा है, जो कि मैंने जो टैप होता है ना, टैप से इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका लिया यहाँ पर। और उसके बाद देखिए मैं आप लोगों के सामने ये जो टी शर्ट है, टी शर्ट के नीचे आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्या है। देखिए ये टी शर्ट के नीचे एक जो है बैटरी रखा हुआ था, देखिए आप लोग ये जो है बैटरी रखा हुआ था जो कि 2 वायर्स जा रहा है इस तरीके से मेरे
उंगली पर, दो उंगली पर जगह दो वायर्स बैटरी से निकाल करके इस तरीके से, ओके। जैसे ही मैं इस बल्ब को जलाना होता था तब क्या किया था मैंने, ये जो टू वायर्स थे, टू वायर्स पर ये जो टू पिन है ना, टू पिन को ही इस तरीके से लगा दिया था मैंने, ठीक है सर, इस तरीके से, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने लगा दिया था, देखिए इस तरीके से जलने लग गया था। देखिए इस तरीके से ही मैं आप लोगों के सामने मैजिक को करके दिखाया था।